भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश एक विशेष प्रेस वार्ता के लिए आप सबको सादर आमंत्रित किया था और आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे कलंकित अध्याय कांग्रेस की वीरभद्र नीत सरकार का पिछला 5 वर्ष का रहा है और इसमें गुड़िया प्रकरण में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारियों आईजी जहूर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी, एसएचओ राजेंद्र सिंह, 3 हेड कांस्टेबल सूरज सिंह, मोहनलाल, रफीक अली, इनकी कल सीबीआई ने गिरफ्तारी की है और जिस प्रकार से इस संगीन मामले में एसआईटी को ही सीबीआई ने दबोचा है, वो हिमाचल प्रदेश की जनता को शर्मसार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की जनता जिस पुलिस को अपना रक्षक समझती थी वो भक्षक निकली, आज बाढ़ ही खेत को खाने लगा है और ये सब राजनीतिक शह के कारण हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से रसूखदारों को बचाने के लिए गवाहों को बदला जा रहा है, पुलिस द्वारा पकड़े गए मुकदमा माल को बदला जा रहा है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती आई थी। पालमपुर में जिस प्रकार से 975 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई 11 मई 2014 को और भराड़ी थाना सीआईडी के उसमें 11/2014 एफआईआर दर्ज हुई, उसे बाद में पैरासिटामोल बताकर अपराधी बच निकले, जिस प्रकार से सोलन में 4 किलो हीरोइन के साथ हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के आरएम पकड़े गए और वो बाद में वॉशिंग पाउडर बतला दिया गया, जिस प्रकार से फेसबुक में अपराधियों की फोटो डालने के बाद कुछ और फोटो डाल दिए गए, जिस प्रकार से जेल के अंदर एक आरोपी को हत्या कर दी गई, जिस प्रकार से हुशियार सिंह के मामले में मामला दबाने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से किन्नौर में आत्महत्या को उकसाने के मामले को दबाया जा रहा है, ये सब बातें स्पष्ट बताई दे रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त है। सरकार की शह पर, राजनेताओं की शह पर हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है और इस जनाजे के निकलने के कारण आज हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और ऐसे में आज हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र नीत कांग्रेस सरकार को खुद ही सत्ता छोड़ देनी चाहिए। साथ में जिन राजनेताओं के इशारे पर पुलिस ने ये जघन्य हत्याकांड किया है, उन लोगों को स्वयं सीबीआई के समक्ष सरेंडर करना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और जिन्होंने प्रदेश को कलंकित करने का कार्य किया है उनके खिलाफ सीबीआई को भी जोरदार ढंग से तफ्तीश करते हुए तथ्यों सहित एक स्ट्रांग मुकदमा दर्ज करना चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कोर्ट कर सके। इसके लिए अब सीबीआई को किसी भी प्रकार के बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी को भी अगर हाथ डालना पड़े तो खुलकर वो हाथ डालना चाहिए। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए, बच्चों की, युवाओं की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए अब बड़े कदम उठाने की
जरूरत है। ये सरकार फेल हो गई है, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए हैं और इस परिप्रेक्ष्य में वीरभद्र सिंह को खुद अपनी सरकार से वापस आ जाना चाहिए और ये अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। भाई साहब असल में थी तो वो हीरोइन, अभी ब्रेकिंग पॉइंट में निकला है तो आर्यन साहब ने कोई